हेलो हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वॉचिंग लॉ गेम। तो हम रिलायंसेस डिस्कस कर रहे थे, उसमें अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे देखते हैं। रिजल्ट कहता है द क्लोजर ई बार ऑफ द सेट ई विच इज सबसेट ऑफ आर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ई। तो देखिए इसका सीधा सा मतलब है, हमने क्लोजर पढ़ा था। क्लोजर कैसा पढ़ा था कि ई बार इज इक्वल्स टू ई यूनियन विथ ई डैश। सो ये था हमारा क्लोजर, इनको ही हम क्या कह रहे हैं, क्लोजर। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो क्लोजर है वो ई को कंटेन करने वाला हो। तो ये तो हम जानते हैं कि क्लोजर ई को कंटेन करता है, क्योंकि ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो क्लोजर है वो ई को भी कंटेन करता है और हमारे ई डैश को भी कंटेन करता है। वो ई को और ई डैश को, यानी ड्राइव सेट ऑफ ई को, लिमिट पॉइंट्स के सेट को कंटेन करता है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए ये थ्योरम कहती है कि जो क्लोजर ऑफ ई है वो कैसा है। वो एक तो क्लोज है, दूसरा स्मॉलेस्ट सेट है जो कि ई को कंटेन करता है। ई को कंटेन करता है हमें पता है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है इसको, पहले तो क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज सेट प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करना है कि ये स्मॉलेस्ट सेट है जो ई को कंटेन करता है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसके प्रूफ में हमें सबसे पहले तो यही लिखना है, वी नो दैट ई बार कंटेन्स ई। ठीक है, ये एक चीज तो हम जानते हैं, ये हमें लिख देनी है। नाउ फर्स्ट वी प्रूव दैट ई बार इज क्लोज्ड। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है ई बार क्लोज्ड है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था किसी सेट को क्लोज प्रूफ करने के लिए अगर हम उसके जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि आर माइनस ई बार, इसे अगर ओपन प्रूफ कर दें। ठीक है, अब हमारा टू प्रूफ बदल गया। देखिए मैंने क्या किया, मैं इसको क्लोज करने की जगह अगर इसको ओपन कर सकता हूं तो भी मेरा काम हो सकता है। तो मैंने अपना टारगेट बदल लिया, मैंने अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें एक एलिमेंट मानूंगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ई बार। अब मैं ई बार के बारे में जानता हूं, ई बार क्या होता है, विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ई यूनियन ऑफ ई डैश। ठीक है भाई, यहां से ये चीज हो गई, विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ई एंड इंटरसेक्शन ऑफ आर माइनस ई डैश। डी मॉर्गन प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और मैं क्या देखता हूँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाला जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको नोटेशन बताया था, वहां भी बताया था ये चीज़ यहाँ से यहाँ कैसे आती है, और वैसे इसको आप देखिएगा डिफरेंस है ये। ओके, तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ यहाँ हो जाती है। तो ये क्या कहती है कि एक्स ना तो बिलोंग कर रहा है ई में, ठीक है, एंड एक्स ना ही बिलोंग कर रहा है ई डैश में। क्यों नहीं कर रहा, अगर आप मैं इसको आगे लिखूं तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, इम्प्लाइज करता है कि एक्स जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन में, यानी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ई भी है और एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ई डैश भी है। तो इसमें होने का क्या मतलब है कि इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ई होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई डैश होगा। तो यानी कि एक्स किस में नहीं है, ई में भी नहीं है, ई डैश में भी नहीं है। दैट मीन्स एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ई एंड ऑल्सो नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई, ना तो ई का लिमिट पॉइंट है ना उसका एलिमेंट है वो। ठीक है, अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं और मैं क्या कहता हूं, अगर ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, है ना, तो क्या होगा, जो मैं इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊंगा, ठीक है, उसका कोई भी पॉइंट क्या नहीं करेगा, अगर मैं इसका डिलीटेड नेबरहुड लेता हूं, ये इसका डिलीटेड नेबरहुड हो गया, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन इस सेट ई के साथ कैसा आएगा, फाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ना तो ई एक्स ई में कंटेन कर रहा है, वैसे तो इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, ये कंटेन नहीं भी करे तो भी ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं होता तो क्या होता है, उसका डिलीटेड नेबरहुड और ई के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते, यानी इनका जो इंटरसेक्शन ऑफ फाई आता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा क्या नाम से एक्स है उसका जो डिलीटेड नेबरहुड है वो और ई के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब कॉमन एलिमेंट नहीं है मतलब इस फोटो से अगर आप ध्यान से समझे तो ये हमारा ई था। ठीक है, हमने कोई एक्स पॉइंट लिया, माना कि यहां एक्स ले लिया,
ठीक है, एक सिचुएशन में ये r माइनस ई वाली सिचुएशन है, हमने r माइनस ई में लिया था, ये देखिए यहाँ पे से r माइनस ई में आ गया था ना x, तो r माइनस ई में x था, ये लेकर चल रहा हूँ मैं, यहाँ पर x लेकर चल रहा हूँ, इसका मैंने नेबरहुड बनाया, उसका इसके साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं आया, यानी ये वाली सिचुएशन है कि ई तो यहाँ साइड में है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए यही यहाँ पे सिचुएशन बन रही थी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इसका नेबरहुड है वो किस में कंटेन कर रहा है, इसके साथ नहीं इंटरसेक्शन में, कारण ये इस बाकी बचे हुए रेस्ट स्पेस के अंदर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि एक्स माइनस एप्सिलन और एक्स प्लस एप्सिलन जो होगा वो कंटेन करेगा जो हमारा आर माइनस ई है उसको, ठीक है, आर माइनस ई को कंटेन करेगा, मैंने एक चीज लिख दी, ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब मैं सिमिलरली क्या करूंगा, अब हम एक चीज और प्रूफ करते हैं कि हम एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारा ये एक्स माइनस एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन जो एक्स का नेबरहुड है वो नेबरहुड कैसा है कि इसके अंदर, ठीक है ना, ई का कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, ये देखिए अगर ये फोटो में अगर ध्यान से देख रहा हूँ, क्योंकि ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, बिकॉज इट्स डजेंट कंटेन इन ई डैश, दैट मीन्स इसके नेबरहुड में कभी भी ई के कोई एलिमेंट नहीं आएंगे, और ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ई का नहीं कंटेन करेगा, यानी कि इट इज डजेंट कंटेन इन ई, ये नहीं करेगा कंटेन, ठीक है ना, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि इस जो एक्स है इसके कोई भी पॉइंट ले लूँ, ठीक है, इस जो मैंने नेबरहुड लिया है इसका कोई भी और दूसरा पॉइंट भी ले लूँ इस नेबरहुड के अंदर आस पड़ोस का, वो भी क्या नहीं होगा, उसके लिए जो मैं नेबरहुड बनाऊंगा वो नेबरहुड भी यही रहेगा, तो यानी इस पूरे नेबरहुड में अदर कोई पॉइंट भी ले लूँ तो उसके पॉइंट भी इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनका नेबरहुड भी, और दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पूरे जो इंटरवेल है ये जो ई डैश है जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है उसमें कंटेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पूरे नेबरहुड के लिए, इस पूरे जो नेबरहुड है इसके जितने भी पॉइंट होंगे नेबरहुड के उसके लिए भी क्या होगा, इजंट कंटेन इन ई डैश विच इम्प्लाइज एक्स माइनस एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन इज कंटेन इन आर माइनस ई डैश, ठीक है ना, इसका कोई भी जो अदर पॉइंट होगा इस नेबरहुड के अंदर और भी जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट भी क्या नहीं होंगे, ई डैश में नहीं होंगे, यानी कि ई के लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है ना, ई एक्स नहीं है तो ई के इस एक्स के जो नेबरहुड है वो भी क्या नहीं होगा, ई का नेबरहुड नहीं होगा कहीं से भी, ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये चीज लिखी है। अब देखिए वन और टू से मैं क्या इम्प्लाइज कर सकता हूँ, मैं इम्प्लाइज कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या हो जाता है, जो एक्स माइनस एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन ये जो नेबरहुड है वो कंटेन करेगा इन दोनों के यूनियन में, और इन दोनों का यूनियन कैसा है, आर माइनस ई डैश के बराबर है, तो आर माइनस ई डैश ई बार मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ। देखिए वो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये इन दोनों का कंबाइंड यूनियन यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना, और फिर इससे मैं उल्टा ये और फिर लास्ट में ये लिख दूंगा, ठीक है ना, देखिए इनका कंबाइंड यूनियन बनेगा और फिर ये ऐसा बनकर फिर डायरेक्टली यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये जो स्टेप है वो डायरेक्ट ही लिख दी है, क्योंकि मेरे पास ये दोनों कंडीशंस आ गई थी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और इन दोनों को मैंने कंबाइंड किया, तो ये मैं यहां से यहां पहुंचूंगा और फिर यहां से यहां करके मैं डायरेक्ट यहां पहुंच जाऊंगा, तो वो चीज मैंने डायरेक्ट ही लिख दी कि ऐसा होगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्स का हर नेबरहुड किस में है, आर माइनस ई डैश में है, दैट मीन्स एक्स क्या है, ऐसे हर एक्स इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, आईपी हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट होते ही जिस सेट के सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो क्या हो जाता है, ओपन, ओपन होते ही ये जो ई बार है वो कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, तो ये एक चीज तो गई कि इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये सबसे छोटा क्लोज सेट है जो ई को कंटेन करता है। अब मेरे को इसके लिए क्या मानूंगा, मैं एक नया और मान लूंगा, ठीक है ना, लेट एफ इज एन अदर सब सेट विच क्लोज्ड, सॉरी, अदर क्लोज्ड सेट विच कंटेन विच कंटेन्स ई, ठीक है, ई को कंटेन करने वाला ये कोई अदर क्लोज सेट है, ये मैंने रेंडमली मान लिया, और अगर ये क्या कर लेगा, ई डैश को कंटेन कर लेगा, दैट मीन्स अगर ये चीज आ जाएगी तो मैं क्या कह दूंगा कि ये स्मॉलेस्ट है भैया, ये हर क्लोज के लिए स्मॉलेस्ट ही रहेगा हमेशा। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करने के लिए टू प्रूफ है हमारा, मैं क्या करूंगा इसमें एक एलिमेंट मानूंगा और उसको इसमें लेकर आऊंगा, ठीक है, तो लेट एक्स, अच्छा ये इसको कंटेन करता है वो क्या लिख सकता हूँ कि ई कंटेन्स एफ, ये चीज मैंने लिखी है ऊपर की तरफ हिंदी में, और मुझे ई बार कंटेन्स इन एफ लेकर आना है ना,
देखिए ए में एक्स बिलोंग्स टू ई बार लेकर चलूंगा, विच इम्प्लाइज एक्स कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, एक्स ई में भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ई डैश ऑल्सो। ठीक है, ये या वाली स्थिति है, और वाली स्थिति है ये। ठीक है, ये चीज हो रही है। अब एक तो अगर ये सिर्फ ई में ही है, ई में है तो यहां से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू एफ, तो ये तो मेरा एक डायरेक्ट हो जाता है। यहां से क्या आ जाता है कि ई डैश इज कंटेन इन एफ, ये तो यहां से आ जाता है। अब अगर वो इसमें है तो क्या होगा, इसमें है तो एक्स इसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है ना, ई का, है ना, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। ठीक है, जो ई का लिमिट पॉइंट है वो ई को कंटेन करने वाला, देखिएगा इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो नेबरहुड बनेगा एक्स का, उसका जो कोई एक्स के अतिरिक्त कोई या एक्स के अलावा जो एलिमेंट होंगे वो ई के साथ कैसे रहेंगे, इंटरसेक्शन में रहेंगे। ये वाली सिचुएशन है, देखिए इंटरसेक्शन विथ ई इज नॉट इक्वल टू फाइव। अब ई की जगह मैं एफ को पुट कर सकता हूँ सबसेट की फॉर्म में, तो एक्स माइनस ई एक्स प्लस ई माइनस ऑफ एक्स, ओके, इस सबसेट ऑफ एफ बराबर फाइव, क्योंकि ई किस में कंटेन कर रहा है, इज कंटेनिंग इन एफ। ठीक है, विच इम्प्लाइज मैं ई की जगह एफ को रख सकता हूँ, क्योंकि इसके एलिमेंटों के साथ अगर नहीं रखेगा, ठीक है, छोटे के एलिमेंटों के साथ नहीं रखेगा तो बड़े वालों के साथ भी तो नहीं रखेगा ये कुछ भी। ठीक है, यानी कि ऐसी सिचुएशन है। अब देखिएगा ये ई है, सर ये एफ है, ये है अपना ई। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो ये एफ है अपना, ये यहाँ पे, अब जो चीज यहाँ पे इंटरसेक्शन रख रही है, माना यहाँ पर एक्स था, यहाँ पे इंटरसेक्शन रख रही है, तो वो एफ के साथ भी तो इंटरसेक्शन रखेगी। ठीक है, तो वो चीज है। अब इसका तो इंटरसेक्शन रख लिया, दैट मीन्स एक्स किसका लिमिट पॉइंट हो गया, एफ का। ठीक है, एक्स का लिमिट पॉइंट होते क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू एफ डैश हो जाएगा। ये भी एफ डैश में चला गया, और मैं क्या जानता हूँ एफ कैसा है, क्लोज लेके चल रहा हूँ, और क्लोज के लिए मैं जानता हूँ कि जो लिमिट पॉइंट होते हैं क्लोज सेट्स के लिए उनके अंदर खुद में ही बिलोंग कर जाते हैं, तो ये यहां से एक्स एफ में आ गया, एफ में आ गया, इसका मतलब ई बार कंटेन्स इन एफ। ठीक है ना, ये चीज आ गई। ये चीज आते क्या हो जाएगा, ये दोनों पोजीशन पर आ रहा है, यानी कि ये इसको कंटेन कर दिया और ये सबसे छोटा आ गया। ये कोई भी क्लोज लिया था, ये क्लोज हम बनाकर से लेते, इसको क्लोज से प्रूफ किया था। अब इससे क्या हो गया कि ये है इनसे हमेशा छोटा ही रह रहा है, तो दैट मीन्स ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये हैंस प्रूव्ड, ये थ्योरम यही प्रूफ होती है। आप वीडियो एक बार वापस देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।